वीडियो के लिए, वीडियो के लिए यहाँ पे थैंक यू सर, राइट में, राइट में, राइट में सर, यहाँ पे, यहाँ पे बस बस सर, राइट में, राइट में, राइट, लुक लुक राइट, वेट वेट मैन, थैंक यू वेट 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 मैडम अभी राइट में, राइट में, एक मिनट, फुल राइट में, फुल राइट में, सर एक मिनट, राइट में, राइट में, यहाँ पे, यहाँ पे, अरे एक मिनट भैया, अरे मैडम तो हम लोग घर जाए, राइट में, बस बस इधर इधर फुल, थोड़ा टर्न हो जाएगी ना, बस बस बस, वेट, हाँ वेट वेट वेट, थैंक यू रोलिंग, वेट वेट रुक रुक एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, चलो रोलिंग, मैंने सीज़न वन भी देखा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं सीज़न टू के लिए भी। हलीम सेठी और विक्रांत मैसी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और बेस्ट पार्ट है जो गाने एकदम हम हमेशा यूज़ करते हैं और चूज़ करते हैं, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है इस सीरीज़ का। ऑब्वियसली जैसे कि एकदम मैम की मैंने स्टोरीज भी देखी थी, तो उन्होंने यही बोला कि जो सीज़न है ये उससे पहले वाले से बेटर होने वाला है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, अभी मैं फिलहाल ओल्ड बालाजी का भी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, क्लास ऑफ 2020, तो उसी की तैयारी चल रही है, तो होपफुली उसकी भी ऐसी लॉन्च होगी। तो यार कैरेक्टर अभी बता नहीं सकता मैं, लेकिन बहुत अलग है, ऐसा कुछ किया नहीं मैंने, और वेब सीरीज़ है तो थोड़ी सी बोल्ड भी होने वाली है, तो यार बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए, सब कुछ करने वाला, रोमांस भी करने वाला, मस्ती भी करने वाला, स्कूल की स्टोरी है तो यंगस्टर्स यूथ बेस्ड स्टोरी है। अगर मैं ना भी चाहूँ तब भी मुझे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसलिए देखना पड़ता है, लेकिन ये वाला सीज़न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप प्लीज़ थैंक यू। जी हाँ, पिछले दो तीन सीजन्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये सीज़न बहुत ही मज़ेदार है, इसमें सब सेलिब्रिटीज़ है तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छी गेम खेल रहे सब लोग। आसिम मेरा फेवरेट है इस वक्त, और सिद्धार्थ शुक्ला थे थोड़े टाइम पहले, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपना एंगर, तो आसिम बन चुका है मेरा फेवरेट। थैंक यू, थैंक यू। Are you right there, ma'am?
सर राइट बोलता हूँ ना पहले फुल राइट नहीं एक मिनट वेट सर वेट वेट फुल राइट में फुल राइट फुल राइट फुल राइट थैंक यू नहीं अपना एक होम बॉलीवुड को जाएगा लुक सेंटर एक्चुअली मैंने सीजन वन देखा हुआ है सो आई वाज एक्साइटेड टू वॉच सीजन टू my sister is a very big fan of the show so I did wanted to tell her that what exactly is going to happen in season 2 season 1 mein main chahta tha ki veer aur samira in the end they come together jo hua nahi so I'm expecting a lot out of the season 2 of broken but beautiful trailer aapne dekha hai kitna mazaa hai trailer looked quite interesting I must say that ki ye aisa pehla sequel hai jo mujhe zyada excite kar raha hai first season se so I'm way more excited to watch season 2 of broken but beautiful I'm very excited. I think the trailer looks fabulous and I'm so happy to be here to watch Broken Season 2. And I'm really, really... Center? Okay, Lou Center. And I'm really very excited to watch Harley in her performance, Vikrant. I'm looking forward to these guys. They excite me. They're wonderful actors and I'm looking forward to the entire season. Everything. I think it looks so good. I think it has so much of passion and so much of emotion. It makes you want to watch it. And season 1 has been such a huge success that I could not resist and I'm like here to watch season 2. Yeah. All the best to Old Balaji. Thank you for coming in, changing the game and pioneering so much of content now. All the best to everybody. I think I keep doing so much of content every 3 days that I don't have anything to reveal right now. But surely, some exciting stuff coming up in December. Nahin, actually, mujhe time hi nahi milta. I think by the time I get home, it gets over. But maine suna hai, bahut kaafi interesting season hai. Aur bahut kuch ho raha hai, chal raha hai. And I keep getting news and word, but lot of fun, yeah. Thank you, thank you. Thank you. अरे मैं कास्ट में हूँ भाई, I'm part of it. I'm very excited. जो
यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने जब सीज़न वन देखा था मैं बहुत एडिक्ट हो गया था. इट्स अ ब्यूटीफुल शो, द म्यूजिक इज़ ब्यूटीफुल और इस बार का तो म्यूजिक इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग. सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ माय फ्रेंड गौरव इज़ इन इट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. Oh, it was wonderful. I had a great time watching it. I'm very excited for it because my friend Anuja is playing a part in it. So really looking forward to that. यार मुझे तो लग रहा है सुपर हिट ऑलरेडी शो है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट द शो एंड आई कांट वेट टू वॉच दिस शो नाउ. यार मैं बिग बॉस नहीं फॉलो करता. We're the rare few. No. Yes, yes. I'm actually doing a film with Vikram Bhatt. It's called Hacked, which is up for release on the 30th January 2020. So we almost wrapped the film. So really looking forward for the film. I hope you love watching me in a film as well now. Thank you so much. Thank you so much. So sweet. Thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्टली यू नो देयर इज़ अ सॉन्ग ऑफ माइन कमिंग आउट कॉल्ड शामे जो कल रिलीज़ होने वाला है. देयर इज़ अ सॉन्ग कॉल्ड शामे विच रिलीजेस टुमारो एंड मैं इस वेब शो के साथ पहली बार जुड़ा हूँ एंड आई एम सो हैप्पी दैट अ वेब शो हैज़ ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स कमिंग आउट एंड इट्स अ वेरी कूल थिंग दैट ऑल्ड बालाजी इज़ डूइंग एंड विक्रांत इज़ रियली लुकिंग नाइस. And I'm looking forward to season 2. Okay, so the songs कैसे होने वाले हैं? आपने उसको compose मैंने नहीं किया है, मेरे भाई ने किया है, अमाल ने किया है और मैंने गाया है. नहीं एक ही चीज़ नहीं है, वो अलग है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कैसा रहा season आपने गाया है, भाई ने compose किया, how was that? मैं और अमाल जब भी एक गाना करते तो always magical रहता है. सो ये गाना भी मतलब हमारे दूसरे गानों से कम नहीं है. हम लोग बहुत खुश हैं इस गाने के रिजल्ट के साथ एंड कल सब फैंस इसे सुन पाएंगे सब प्लेटफॉर्म्स पे एंड इट्स बिन रिटन बाय मनोज मुंतशिर जिन्होंने हमारे साथ MS धोनी एल्बम में काम किया था. सो वी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग. या एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा मतलब वेब प्लेटफॉर्म पे एक महीने में डेब्यू भी हुआ है एज अ सिंगर एंड आई थिंक कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े हो चुके हैं एंड काफ़ी लोग अभी फिल्म्स भी अपने लैपटॉप पे देखते हैं कंज्यूम करते हैं. सो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड उस तरीके से वी आर ऑल्सो चेंजिंग एंड आई एम ग्लैड कि वेब सीरीज़ में ऐसे अमेजिंग गाने आ रहे हैं बाहर. ऑफकोर्स शामें कहीं ऐसी शामें चलो हम चुरा ले कहीं ऐसी शामें. थैंक यू सो मच. What would you like me to say? Come on, Krishna. Speak what you want to say. Hi. सबको साथ में फंसाओ ना अकेले. या ऑफ कोर्स सीजन वन देखा था एंड आई लव्ड इट. एक्चुअली सीजन वन जो है मतलब मैंने तो बहुत रिलेट किया एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग रिलेट कर सकते हैं. नो 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 लगर में ओके एंड
I will answer baad mein, let her finish. And I love the songs. Everybody's really great. Bahut bahut acha hai. And I'm waiting for the second one now. What would you like me to say? What would you like me to say? Firstly, obviously, it's an alt show and I've always been an avid alt fan. I think sab log jante hain ye baat ko ki I'm a binge watcher. Jo bhi shows aate hain alt pe, hamara jo ek group hai, sab log, Harleen, including Harleen, she knows that I'm the first one to watch all of it, any of the shows. So I loved Broken and I was always waiting for Broken 2 and finally my dream has come true and Harleen is there, so I don't want to take up too much of your time because I love her, she's gorgeous and the show is fabulous. Sare, because all the songs are so soulful and so touching. Yeah. I mean to say, of course, they're in the romantic zone and women are obviously a little soft. On and that. Some sad songs also. Ha, the women are a little soft on that note. So yeah, we all relate to that. Darling, my Broken has been public for a very long time and I'm very beautiful thanks to that. Just love yourself, be confident about yourself and, you know, don't care a damn about anyone. Just be your life. Be yourself. Live your life. Just love yourself actually. Broken ke liye aayi hu. Kahan pahuncha diya hai yaar. Nahi yaar, or to be very honest, gayi ghar mein, bahut maza aaya. Main wapas aayi, itne uske baad mein jhagde hue, fir main... Nahi. ना मेरा पहले कभी कोई पर्सनल फेवरेट था ना मैं किसी की थी तो अभी भी कोई नहीं है आई डोंट नो आई ऑलवेज से मे द बेस्ट मैन और वुमन विन सो लेट्स सी थैंक यू आ जाओ अब तुम्हारी बारी आ जाओ विकास सर यहां पे यहां पे विकास सर But I'm just, I have so many mixed feelings right now. I'm not able to talk. I'm just full of emotions because thoda sa nervousness hai, excitement hai. I'm waiting because andar almost show khatam hone wala hai. So I'm waiting for people to come out and tell me what they feel about it. So yeah, really looking forward to it. सबसे ज़्यादा मायने मेरे माँ बाप का रखता है बट अनफॉर्चुनेटली मेरे माँ बाप आज है नहीं यहाँ पर दे आर आउट ऑफ कंट्री बट माई ब्रदर इज गोइंग टू कम सो आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर टू कम एंड देन ऑल माई रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड अ लॉट ऑफ माई फेवरेट इंडस्ट्री पीपल आर हियर सो सबका ओपिनियन और व्यू मेरे लिए बहुत मैटर करता है सो या थैंक यू थैंक यू Harleen, you cannot go. You cannot go. What, yaar? Balsi? Pakka? Please, I'm going to go.
देखो मेरे इतने सारे शोज आ रहे हैं यहाँ पर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल आर शोज शुड डू वेल. बट आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर दिस शो बिकॉज एक तो ये उस तरह का शो है जिस तरह के शोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. दूसरा स्पेशल है इसमें हर्लिन है. हर्लिन इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई ऑनेस्टली थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेसेस दैट वी हैव राइट नाउ. सो एंड टुडे शी इज विनिंग एन अवार्ड फॉर ब्रोकन मन. सो इट्स सो अमेजिंग द टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. एंड आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी गिफ्टेड एक्टर. एंड विक्रांत मासी एंड आई वर्क टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम अगो बट ही टर्न आउट टू बी सच अ फैंटास्टिक डिस्कवरी बाय एवरीवन. सो ये बहुत एक्साइटमेंट है. एवरीवन सो कनेक्टेड वेल ऑन टू दिस शो. You know, in Japan, there's this pratha. जो चीज़ टूट जाती है ना उसे सोने से मर देते हैं. And it becomes special. That's what makes you unique, no? All your experiences in life is what makes you the person you are. So that's what makes you special. Oh, Sajna. That's what I'm really listening to on a loop. And it's also Akhil's my brother. Not because he's my brother that I like the song. I like the song and then I got to know it's his song. कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा. इतना सब लोग हर कोई बोल रहा है कि मेरे बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बिग बॉस 13 के बारे में. आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है बिग बॉस 13 में. आई थिंक एवरीवन इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. आई एम ग्लैड दैट आसिम एंड सिद्धार्थ आर फ्रेंड्स अगेन. सो विच इज़ अ गुड पार्ट. मैं पता हूँ हर कोई एक ही रहेगा. सिद्धार्थ भी एक ही होगा, रश्मि भी एक ही होगी, शिल्पा भी एक ही होगी, विकास भी एक ही होगा. हर किसी की अपनी क्वालिटी. आई थिंक हमें हर किसी को एक दूसरे के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है. आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन यूनिकनेस एंड लुक एट हर ही इज कम हियर. सो ही इज द स्टार ऑफ द नाइट टुडे. ही इज वेरी वेरी गुड इन द शो. कौन जीतेगा यार? मैं बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं करता हूँ. मुझे कुछ नहीं आता ऐसे करने का. बट जिसको पब्लिक जिताएगी वो जीतेगा. कोई कॉम्पिटिशन नहीं है अभी तक. अब तो आधा हुआ. अपेरेंटली दे एक्सटेंडेड बाय वन मोर मंथ. So you don't know, maybe new people will enter it. Mujhe aisa lag raha hai. Chalo, see you guys. I find most exciting part of Broken 2 is my friend Gaurav Arora, who is debuting with this series, and you know, being his friend, and we've started our career pretty much all together, and it's great to see your friend, you know, to be part of the show. Plus, the first one has already made some noise, so I look forward to the Broken 2. Yeah. Well, I just want to wish all Balaji Z5 congratulations and all the best for bringing more and more youth-centric shows, and the cast and crew of Broken 2, all the very best. कहाँ देखना है? सेंटर देखना है सर? यहाँ पे. एक्सपेक्टेशन डर है एक्चुअली कि इतना प्यार मिला है पहले सीजन में. तो आई होप आई एम वेटिंग कि अभी स्क्रीनिंग खत्म होगी तो ये लोग क्या बोलने वाले. एवरी वन हु इज वॉचिंग इट एंड हु इज वॉच फोर्थ एपिसोड इन साइड, आई एम जस्ट वेटिंग कि बाहर आके क्या बोलेंगे. तो अब तो फिलहाल डर है. Let's see how it goes. But I'm really happy that like काफी लोग आए. Yeah, there's so many people. Everyone's come. Thank you so much for being a part of the celebration. Thank you so much. I think every single person, I am very active on my DMs, on all my social media handles. I interact with all the well-wishers on a very regular basis. I think jitna aapka maine rakhta hai, utna hi sabka maine rakhta hai. I think
each and every feedback is important. That's what we've been requesting also. कि जिन्होंने show देखा है, जो देखेंगे आगे और अगर उनको अच्छा लगा नहीं भी लगा, what were the things that we could do better? वो सारी चीजें आप हमसे directly बात कर सकते हैं. So yeah, every opinion matters. I'm sorry, I haven't worked with him yet. I don't know him. We know of each other, but we don't know each other personally. मैंने Big Boss देखा ही नहीं है यार. I swear, I've just come back 2 days ago. I'm extremely sorry. I haven't seen him. Of course, किया. मैंने बहुत सारा प्यार भेजा. उनकी जो मंगेतर होने वाली मंगेतर है बहुत ही प्यारी है. उनका नाम आप बताना चाहते हैं? शीतल ठाकुर नाम है. शीतल है तो वो बहुत प्यारी है. कहाँ है वो? वो है यहीं पे. She must be eating something. She must be around. या हाँ जी, बुला लें उनको. वो बुला लें, प्लीज बुलाओ. I think she's busy eating, like she will not leave food for anyone. So I will see you guys in a bit with her. अगर आप यहीं पे, तो I'll get her outside in a bit. Thank you so much. Definitely, yes. Thank you. Have you seen that? Cheers, guys. Thanks a lot for coming. एक फोटो. हाय, congratulations. एक फोटो Bye-bye. I'm very excited. I'm very excited. मैंने season one भी किया इनके साथ and season one was beautifully written and even season two जो भी मैंने अभी trailer से देखा और जो भी गाने देखे I think it's very beautifully even shot and the actors are looking good, the songs are good, so I'm very excited. अच्छी बात है. आपको अच्छी लगी मैं? आई थिंक वो विल गेट बाद में बात करेंगे इस सिलसिले में. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन माय लाइफ एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स ग्रेट दैट पीपल हैव रिस्पोंडेड वेरी पॉजिटिवली सो फार. सही वक्त पे हम छपाक के बारे में बात करेंगे. I will see you guys soon, interact with you guys on that. But I think let's talk about Broken tonight. And thank you so much for coming. Aap sab aaye. You guys have always motivated. Thank you so, so much. Thank you. Cheers. All the best. जी, first season में ना मेरे को सबसे best गाने लगे थे यार. You know, very often you see shows and you don't really remember the songs, and because I'm very, very filmy by nature, na, I was like, yaar, gaane bade badhiya hai. Which is what I think with Alt in general, I love the content because there's so much of masala in it, and I love it. Which is, I'm really looking forward to two only because the songs mainly. Obviously, actors to umde hai. I'm a big fan of Harleen and Vikrant for a long time. And I just saw Vikrant, bada smart bhi lag raha hai, yaar, wo. नहीं तो ऑनेस्टली आई हैव नॉट हर्ड एनी ऑफ द सॉन्ग्स येट. मैं भी शूटिंग कर रहा था. मैं 2 महीने से लगातार मैंने अपनी पिक्चर के अलावा कुछ और सुना ही नहीं है. विच इज़ व्हाई शी कॉल्ड मी टुडे. आई सेड मैं आज जाके तो सुनूंगा भी और देखूंगा भी. एंड ऑल माई बेस्ट विशेज यार. आई होप इट डज रियली रियली वेल बिकॉज द वेब नीड्स टू पुट ऑन. हमारा भी थोड़ा काम वाम और बढ़ता रहे. जी, गिल्टी आ रही है. इट्स धर्मास फर्स्ट विद नेटफ्लिक्स. इट्स कमिंग इन मार्च.
प्लीज गो वॉच इट, इट्स गॉट कियारा, डियर डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बचपन के दोस्त साथ में पिक्चर कर रहे, प्लीज देखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अभी. मैंने फर्स्ट सीजन देखा है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू शोज़ जो मैंने स्टार्ट से एंड तक देखे हैं. मैं बहुत ज़्यादा शैम करती हूँ व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग शोज ऑनलाइन, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू शोज़ विच आई वॉच फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, सो आई एम रियली वेटिंग टू सी व्हाट्स इन द सेकंड सीजन. सो गाने ना अभी तक आई बी ऑनेस्ट, जो पिछले सीजन का गाना था सोनिया वो आज तक मेरी प्लेलिस्ट में है. इस सीजन के गाने अभी तक मैंने प्रॉपरली सुने नहीं है, तो आई थिंक वंस आई स्टार्ट वॉचिंग द शो आई विल हियर इट आउट. So at least with what I saw in the first season, I was completely like in awe of them. So I'm really looking forward ki I'm sure it'll be kamal ka. Sorry, come again? The last show which I loved watching. I think recently अभी एक show आया था Family Man करके, वो मैंने start to end तक बहुत religiously दो दिन के अंदर ख़त्म किया था, तो बहुत कम shows होते हैं जब मैं पूरे ख़त्म कर पाती हूँ. So yeah, this is also one of them. You will know about it soon. Thank you. Hi. Kind of reaction that I'm getting for the song, it's beautiful. All in all, I saw the series. It's the first time that I'm doing something for web. और जिस तरीके का reaction सब लोगों का आया, बहुत बहुत सारा प्यार मिला है. और जितने भी rushes मैंने देखे हैं Broken के इस बार इस season के, बहुत खूबसूरत हैं. तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके का प्यार गाने को मिला है, उतना उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा प्यार season 1 से ज़्यादा प्यार Broken बट ब्यूटिफुल टू को बहुत प्यार मिला. इट गॉट सम रिकॉर्ड कवर्स एंड ऑल दैट. ये साल इस तरीके का ही रहा है, सारे गानों को बहुत प्यार मिला है एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. गाने की यहाँ पे मुश्किल काम है यार, क्या गाना. कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने भाऊं तेरे दिल की ये चोरियां, मैं तेरी हो गया, मैं तेरी हो गया. थैंक यू सो मच. See, because the most important and exciting thing for me is the season one, because I have seen the whole the entire season and it was very interesting. So I was actually, as a fan, I was waiting for the season two. And both the lead actors are very, very good. So I'm really looking forward. I'm excited, actually. I'm nervous for the show because I have so many expectations out of this show as a fan. So I'm just happy and excited. I think the first one they released, I'm a little bad with lyrics. But the first one which came out of Broken 2 was really beautiful. Very, very nice. Any upcoming project? Yeah, it's all Balaji. So I hope soon we'll be doing a screening like this for my show also. So I'm really excited. Let's see. It's a great show. So I'm hoping for sure. See, we've started, we just shot first episode. I think we are taking a break because of the New Year's chuttis, because we are a lot of people in the show. So सब थोड़े थोड़े दिन के लिए घूमने जा रहे हैं. सो आई थिंक वी आर अगेन विल स्टार्ट शूटिंग बाय जनवरी एंड फेब्रुअरी. सो लेट्स सी, प्रॉब्ली आई थिंक अप्रैल जून. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
Hi guys. Wow. Really? ऐसे तो नहीं मारते। अरे तुम हर जगह आ जाते हो। एक देर मिनट दे दो यार सॉरी। Sorry guys. हाँ। Yeah. I think it's one of the few shows that you know everyone's been waiting for the second season, and I don't have to again and again talk about it because we all know how good the first season was, how good everybody was in the show, including you know all the ensemble was so good. We talk about the two leads that we have; they're both great actors, but I'm sure the ensemble is in itself so good. I think that's what makes the show so. Fascinating and I'm excited. I'm waiting. मैं देख लूँगा आज. आप लोग, I think आज. अरे भाई तुम यार मेरा स्टाइल देख लिए एक किसान मोबाइल लीजिए कर बार बार साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती रहती है तो मैं हूँ उसके लिए एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रीट हिम सो दैट्स इट ओके हाँ पूछ पूछ लड़ा हूँ मैं देख नहीं रहा था डेट मुझे पता चलेगी मैं बता दूंगा यार विक्रांत की डेट आ गई उसको पूछो आगे की डेट्स food helps you to come out when you're broken yeah for me food heals me I think time some time off everything in life definitely helps you get a clearer perspective thank you visuals okay.
going back to number come, three. Come, come, come. Anuja is so good. Anuja is the best. Anuja is number one. Anuja is number one. And number three. And number two and number three. Three. And number four pe kaun hai? Number five was the best, I think. Number four pe kaun hai? Number five I've ever seen. Number five is also Anuja. Anuja is the one. Are you picking this? Hello. Let's go. Acha, may I clip? May I clip? Come. Huh? Come, come. May I clip? Tell Anuja to come. Are you guys coming? Yeah, let's go. Alright, let's go. The exit is on. Wait, let me cross. Ruk na. Aaj. Yeah, it was. Was. मैंने पूरा नहीं देखा मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे फिर काम तो पता ही है आपको कैसे चलता रहता है बहुत अच्छा है यार एंड यू बेस्ट ऑफ एक्टर्स हियर इन द शो एंड मेरे वैसे फेवरेट है मेसी तो ऑब्वियसली बनता है सो एंड दिस टाइम द म्यूजिक इज आल्सो वेरी गुड आई कांट सिंग बट आई हैव हर्ड द सॉन्ग सो द ब्यूटीफुल सो होपिंग फॉर अनदर सक्सेसफुल सीजन वही बोला कैसे गाना मैं कैसे मैं जो भी नया है मुझे लिरिक्स और मतलब मुझसे कहाँ गाने के बारे में बात कर रहे हैं वो भी शायद आल्सो कांग्रेचुलेशन ताना जी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला स्पेशली आपके कैरेक्टर को जो आपने प्ले किया है कैसे कमेंट्स मिला अब तक आपको अप्रिशिएट कैसे टचवुड बहुत फैंटास्टिक कमेंट्स और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस फिल्म जब देखेंगे आप लोगों को शायद और भी मजा आएगा इट्स अ बिग फिल्म मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर मैं मुझे नहीं पता यार मैंने मतलब कौन सही है कौन गलत मैं नहीं बोल सकता बट हाँ हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है और हमने चीज़ें ग्लोरीफाई नहीं किया उसको ख़राब नहीं किया मेरे ख्याल से Thank you so much. Thank you. I keep seeing all your posts. Thank you. I'm very excited for the second season. Pehla season bahut acha gaya tha. And the producers are my friends. The makers are my friends. Ashwin Varde and Sarita. So I'm super excited and super happy that unka jo first web show hai, wo itna successful raha hai that, you know, uska season 2 aa raha hai. And super excited to see once again Vikrant Masi. Bahut hi acha kaam karte hain. Unke kaafi sare web shows main dekhta aaya hoon. So looking forward for this one too. Okay sir, jis tarah se kal aap Big Boss mein aap log gaye aur aap are kuch aur pooch yaar abhi show ke related baat kar khatam ho gaya are khatam ho gaya aage poochte lekin but sir Siddharth ke bare mein agar aap baat kar rahe hain aap team ki dono ki fight ko leke aapne kafi defend kiya Siddharth ko usko leke aap kya kehna chahenge
बहुत ही अच्छा शो है ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल. आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड होपफुली ऐसा ही अच्छा करते रहे और सीजन टू आए. सलमान सर के बारे में क्या, कैसा रहा एक्सपीरियंस सलमान सर? अब मैं चाहता हूँ सीजन थ्री भी बहुत जल्दी आए, सो वेरी सून सीजन थ्री भी आए. इधर टीजर भी चुपकाएगा क्या? चुप रहे किशन. अरे ऑल्ड वाले में काम कर बोल रहा है. अरे अरे क्या कर रहे तुम लोग? पांडे पांडे का ऊपर जाते जाएगा, उसके पीछे भागना लिफ्ट में. मेरा क्यों बॉबी दिवस में आएगा तो उसका भी छाता है. वो भी तो कम नहीं आना बेचारा, वो भी टाइम पास कर रहा है. डॉक्यूमेंट भी पूरा गया भाई तुम जाए थे यार. गया बोलो मैं गया.